प्यार दिल से स्वागत है फिर से आपका अपने न्यू ब्लॉग में। सो गाइज, अपनी गाड़ी फाइनली हो गई थी कल कंफर्म लोडिंग, तो अभी लोडिंग के लिए आए हुए हैं टमाटर। और अपनी लोडिंग है दिल्ली जाएगी या फिर नोएडा यूपी जाएगी, तो अभी आए हुए हैं। अपनी गाड़ी लगी है ये यहाँ पे, रात में कैरेट डाल के आए थे। बरसात इतनी ज़्यादा थी कि भाई पूछो मत, बरसात में कैरेट लोड हुई फिर इधर आके सो गए। तो अभी पैकिंग चालू है, तो अभी तकरीबन दो तीन घंटे लगेंगे पैकिंग वैकिंग करने में, लोडिंग होने में। तो शाम तक 3-4 बजे तक गाड़ियाँ निकलेंगी यहाँ से। और भाई अपना 32 से 34 घंटे की मंडी टाइम है, 32 घंटे। और भाई भाड़ा है अपना 80,000 रुपये भाड़ा है, 5,000 इनाम है। और भाई ये कैरेट गाड़ी लगी है 674 कैरेट पे, तो देखेंगे 674 में शायद वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए कम ही लेंगे 10 कैरेट, 664 तक लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वजन ज़्यादा हो जाएगा और लोड हो जाएगी गाड़ी हमारा 674 पे। और मेरे साथ में बैठे हैं अर्जुन भाई, इनकी गाड़ी है बजरंग बली वाली, जो कि ये मेरे गांव वाले हैं अर्जुन भाई, इनकी गाड़ी भी, दोनों गाड़ियाँ साथ में ही लगाई हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ की पैकिंग वगैरह दिखाता हूँ टमाटर की। तो जो भाई नया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करो। तो बने रहना मेरे साथ में, चलते हैं आपको यहाँ का प्रोसेस दिखाता हूँ थोड़ा। सो भाई ये तो अभी जो रेडी करने वाला किसानों से आता है वो टमाटर है, ये लगी है अपनी गाड़ी। और भाई ये है यहाँ की मंडी, ये भाई सिन्नर से 17-18 किलोमीटर आगे है, तो वहीं पे आए हुए हैं। मंडी का नाम तो पता नहीं है मेरे को। और भाई लोग कर रहे हैं पैकिंग, और ये खड़ी हुई है बजरंग बली वाली गाड़ी अपने साथ वाली। तो अभी इतना माल रेडी हो गया, तो भाई इस तरह से होती है पैकिंग। ये भाई कर रहे हैं टमाटर की छटनी, हाँ इस तरह से अलग छटनी करते हैं। तो ये हो रहा है रेडी माल, तो उसमें कैरेट आई थी वो खाली हो रही है, और इधर लगा है ये। तो ये दोनों गाड़ियों में कैरेट आई थी, तो इसमें तो हो गई खाली, अब अपनी गाड़ी में होगी खाली। वो अपनी गाड़ी में लोडिंग है अभी, कैरेट खाली करेंगे। अभी नेपाल भाई और एक अर्जुन भाई का लड़का दोनों बना रहे हैं खाना। ये बैठे हैं नेपाल सिंह, और वो है छोटू। छोटू क्या नाम है तेरा? है नरेंद्र। नरेंद्र लगा रहा है अभी आटा, नरेंद्र मोदी बाटी बन रही है। बाटी दोनों भाई बाटी, हाँ। क्या दाल लेके आए हो? दाल बाटी, हाँ, दाल बाटी। ओ भाई आज नेपाल भाई बना रहा है दाल बाटी, इसको तो कहाँ बनानी आती है, और नरेंद्र बना रहा है, इसको तो मेरी तरह हम दोनों वो काट काट के धर रहा है बस। तेरा सही है भाई। तो भाई ये है मंडी, छोटी मंडी है, फड़ वगैरह है। तो ये लगी है अपनी, तो करवाते हैं लोडिंग। तो भाई जी ये गाड़ी तो हो गई कंप्लीट रेडी, अब बची है अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ियों की ये कैरेटें हो रही है तैयार।
अपनी गाड़ी बची। अब ये तो हो गई कंप्लीट। बैल लगा दे। और अपनी की हो रही है ये कैरेटें नई तैयार। तो गाइस इनका हो गया रथ 70 पाल कंप्लीट। और वो ऊपर अपनी गाड़ी की होने लगी लोडिंग स्टार्ट। अपनी की चालू कर दी इन्होंने लोडिंग। क्या कर रहा है? अरे नहीं खोलना यार। फिर उससे क्या हुआ? तो भाई गाड़ी होने लगा अपना लोडिंग। और ये पाइप लगा दिया इधर क्योंकि ये वाली कैरेट थोड़ी छोटी है, नई कैरेट है। तो ये पाइप की वजह से जो ये जगह दिख रही है ये कवर हो जाएगी। और वो नेपाल सिंह तो इससे सबकी टाइट हो जाएगी। इतना गैप है कवर हो जाएगा। करवाते हैं अभी लोडिंग। तो गाइस हो गया अपना गाड़ी कंप्लीट लोडिंग। तो कंप्लीट हो गया, अभी करते हैं तिरपाल। और ये आ गया नेपाल। नेपाल कर तिरपाल। रुक जाओ, उसको नीचे डाल दे इसको, प्लास्टिक वाले को। तो करते हैं तिरपाल, फिर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली लोडिंग करके निकल गए। और भाई अपनी मंडी है ओखला दिल्ली। और टाइम अपना है अभी 3:30 बजे गाड़ी निकली है। तो 25 घंटे अपने को होते हैं कितने बजे, 1 से 1.5 बजे। तो अपनी 1:30 बजे की मंडी है कल रात को। तो चलते हैं, करते हैं सफ़र कंटिन्यू। तो अभी हम जाएंगे भाई येवला, यहाँ से येवला, इधर से निकलेंगे हम मालेगांव। क्योंकि अब नासिक से होके जाने में तो लंबा भी रहेगा और खर्चा भी ज़्यादा है। तो भाई इधर है टमाटर की ज़्यादा फसल है। ये देखो ये सब टमाटर की फसल है, मतलब इस साइड में ये टमाटर का ज़्यादा खेती है। तो चलते हैं। और वो बजरंगबली 7 वाली गाड़ी वो हमारे से 1 घंटे पहले निकली थी। तो उसका रात को 12 बजे का टाइम है, हमारा 1 बजे का टाइम है। वो जाएगी नोएडा और हम जाएंगे ओखला दिल्ली। वो यूपी में जाएगी नोएडा में और हम ओखला जाएंगे। और भाई ये अंगूर की खेती है, अंगूर का बाग है भाई। अभी कटिंग चालू कर दी है अंगूर की। ये टमाटर की खेती है भाई, देखो ये अंगूर की ऐसे कटिंग कर रहे हैं। पत्ती होगी फिर नहाएंगे इनमें नई पत्तियाँ। तो चलते हैं। तो अभी पहुंच गए हम येवला, येवला मार्केट। और अभी यहाँ से मारेंगे लेफ्ट तो जाएंगे मालेगांव। आराम से भाई, आराम से। यहाँ से लेना है अपने को लेफ्ट। और भाई बरसात रुक नहीं रही है। ये भाई बाबा राम
बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्ति भूमि। ये बाबा साहेब की समाधि स्थली आ जाए भाई, चल 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 चल। तो ये जाएगा श्री रिद्धा मालेगांव। और ये देखो भाई, ये तोते लगा रखे हैं भाई, बना बना के चिड़िया तोते रोड गए। अरे नहीं, वो गिरेंगे थोड़ी भाई, वो सीमेंटेड है। चलते हैं अभी मालेगांव, आगे जाके रुकेंगे वहाँ पे, करेंगे शीशे वीशे साफ, क्योंकि शाम के बज गए 6। और अभी वहीं पे चाय वगैरह पी के गाड़ी में धूपबत्ती वगैरह करके निकलेंगे फिर वहाँ से। तो वो गाड़ी अभी हमारे से आगे ही चल रही है, वो अभी मिली नहीं है हमें, लेकिन वह उसको पकड़ लेंगे मालेगांव तक। तो अभी चलते हैं आराम आराम से। ओ भाई बाइक आराम से चलाओ यार, आप तो जॉन इब्राहिम बोल रहे हो। सारी चोट पड़ता है रो। तो भाई जी ये गाड़ी देखो यार, आराम से चलो, बरसात का टाइम है भी, देखना ये गाड़ी देखो, ये मारुति वाला डंपर है, मारुति लोड है इसमें कंटेनर में शायद। पता नहीं यार, पूरा मुंह ही उधर घूम गया इसका तो। यार इसने ब्रेक भी बहुत लिए भाई, भाई आराम से चलो बरसात के टाइम पे यार। गाड़ी को तो उधर कोई ज्यादा वो नहीं है ना, नुकसान वाली चीज। जाने दे। तो गाइस अभी पहुंचे हैं एमपी बॉर्डर पे और टाइम हो रहा है 12:30। और भाई आज तो ट्रैफिक फिर भी कम है नाइट के टाइम पे, आज जाम नहीं है। वो कहाँ पे रह गया, तेरी साइड में? वो बजरंगबली वाली गाड़ी भी साथ हो गई, वो साइड में भाई। मेरे साइड में तो नहीं है यार, अपने पीछे तो नहीं है। तो भाई जब देखो वो गाड़ी को 10 मिनट हो गया सामने, लेकिन चलने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं ऐसा क्या करते हैं ये। तो गाइस अभी हम पहुंच गए छेंदवा बॉर्डर पार करके और होटल पे खाना खा के निकले हैं। तो अभी नाइट के बज रहे हैं 1 और अभी नेपाल भाई चलाने लगा वापस गाड़ी। तो अभी खाना वाना खा के निकले थे दोनों गाड़ियां, बजरंगबली वाली गाड़ी भी साथ में थी, तो दोनों गाड़ियां खाना खा के निकले। तो अभी नेपाल भाई चलाएगा गाड़ी। तो व्लॉग का करते हैं यहीं पे दी एंड। तो कमेंट करके बताओ कैसा क्या लगा व्लॉग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।